Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic is E and Z public lecture. A student requested me to make a video on this topic, so I am here with the video. तो आज हम जानेंगे ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर, यानी कि जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें हम ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर किस तरीके से असाइन करते हैं कंपाउंड्स को, कैसे हम कहते हैं कि ये कंपाउंड ई है या किस कंपाउंड को हम जेड नाम देंगे, ये सीखेंगे हम आज इस वीडियो में. सबसे पहले समझने की सिंपल सी छोटी सी कोशिश करो कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसे हम दो तरीके से जानते हैं, यानी कि जो हमारे ज्यामितीय समावयवी होते हैं वो या तो सिस के नाम से जाने जाते हैं या ट्रांस के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन एक तरीके के कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन पर चारों अलग एटम्स प्रेजेंट हो, तो उस तरीके के कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक नई नेमिंग निकाली गई जिसको हमने कहा ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर. तो देखो मैं सिंपल सा तुम्हें बताती हूँ कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या होते हैं, मतलब जो सिस और ट्रांस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं. तो मान लो ये एक कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये एक कार्बन है, ठीक है, इस पे दो और बॉन्ड, इस पे दो और बॉन्ड. अब यहाँ पर भी सी एल है, यहाँ पर भी सी एल है, यहाँ पर मान लो हमने लगा दिया एनएच थ्री और एनएच थ्री, ठीक है. अब ऐसे ही मैंने एक और कंपाउंड बनाया जिसमें वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो कार्बन पर दो और बॉन्ड, फिर यहाँ पर एनएच थ्री, यहाँ पर सी एल, यहाँ पर सी एल और यहाँ पर एनएच थ्री, ठीक है. तो अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, अलग अलग कहना चाहूँ, तो कैसे कहूँगी कि देखो ये सी एल, ये सी एल, दोनों कौन सी जगह है, अपोजिट जगह, उल्टी जगह है ना. ऐसे ही एन एच थ्री और एन एच थ्री कौन सी जगह है, अपोजिट जगह है. तो ऐसे कंपाउंड को मैं क्या कह सकती हूँ, ट्रांस. अब ये वाला कंपाउंड, इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है कि एन एच थ्री और एन एच थ्री जो कि सेम मॉलिक्यूल है वो एक ही जगह पर प्रेजेंट है. ऐसे ही सी एल और सी एल एक ही साइड पर प्रेजेंट है, जगह नहीं साइड, एक ही डायरेक्शन, एक ही साइड पर प्रेजेंट है. तो ये हो जाएगा हमारा सिस. अब इसके अलावा अगर मैं कहूँ ये है एक कंपाउंड ए बी सी और पी, अब इसमें कार्बन और कार्बन पर चारों ही एटम्स डिफरेंट प्रेजेंट है. अब मैं इसको क्या कहूँ, सिस कहूँ, ट्रांस कहूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि किस तरीके का आइसोमर है. ये पक्का है कि ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन मैं इसे नाम कैसे दूँ. तो इस प्रॉब्लम के लिए एक नई नॉमेनक्लेचर निकाली गई, एक नई नेमिंग निकाली गई जिसको हम कहते हैं ई जेड नॉमेनक्लेचर या ई जेड नेमिंग ऑफ आइसोमर्स. ठीक है, अब ई और जेड को समझो, ई क्या बताएगा, जेड क्या बताएगा और किस तरीके से हम कंपाउंड को ई कहेंगे या जेड को समझो. तो ये जो ई होता है, ई का मतलब होता है जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन भाषा में ई का मतलब होता है एंटीजन, एंटीजन. और ये जो जेड होता है इसका होता है ज्यूसामैन, ज्यूसामैन. जेड का मतलब है ज्यूसामैन, ई का मतलब है एंटीजन. अब ये मतलब बड़े अजीब शब्द लग रहे हैं, है ना, लेकिन इनका सिंपल सा मीनिंग होता है ज्यूसामैन का मतलब है सेम, यानी कि सेम तरफ, है ना, ऐसे याद कर लो. और एंटीजन का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा. ठीक है, इतनी बात समझ आई. अब इसके बाद इसके कुछ होते हैं रूल्स, जो हमारे ईज एंड नेमिंग है इसके होते हैं कुछ रूल्स. सबसे पहला रूल होता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल में हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन पर जो अलग अलग एटम प्रेजेंट है उनको हम प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे. और वो किस हिसाब से देंगे, वो देंगे कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको हम प्रायोरिटी देंगे. लेकिन लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि दोनों कार्बन को अलग अलग लेकर चलोगे, दोनों कार्बन को अलग अलग लेकर चलोगे. देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये है कार्बन, ये है कार्बन, ठीक है. तो ये कार्बन मान लो मैंने मान लिया पहला कार्बन, ये मान लिया मैंने दूसरा कार्बन. मतलब जब मैं प्रायोरिटी देखूंगी, प्राथमिकता देखूंगी, तो केवल इस वाले कार्बन पे इसके एटम्स की देखूंगी, इस वाले कार्बन पर इसके एटम्स की देखूंगी, ठीक है. और प्राथमिकता प्रायोरिटी दूंगी कैसे,
वो इस हिसाब से है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, तो उसे मैं क्या दूंगी, प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता। अब देखो, अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल ये लिख देती हूँ NH3, यहाँ लिख देती हूँ Cl, यहाँ लिख देती हूँ Br और यहाँ लिख देती हूँ H, ठीक है। अब देखो, इस वाले कार्बन में मैं किसे देखूंगी, केवल H और Br को, इस वाले कार्बन पर अमोनिया और Cl को। जब इस कार्बन की बात कर रही हूँ तो इसे नहीं देखेंगे, इस कार्बन की बात कर रही हूँ तो इसे नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और Br का ज्यादा, ठीक है। तो Br का और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और Br में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, Br का, तो प्रायोरिटी किसे दूंगी इस। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर कार्बन से क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, क्लोरीन का, है ना। तो प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी किसे दूंगी इस। तो अब हमें क्या देखना है, मतलब ये तो हमने प्रायोरिटी दे ली, अब हम ई और जेड कैसे असाइन करेंगे। वो ऐसे असाइन करेंगे, इस कार्बन पर जिसको हमने वन नंबर प्रायोरिटी दी है वो कहाँ है, इधर। ऐसे ही इस कार्बन पर जिसको हमने वन नंबर प्रायोरिटी दी है वो कहाँ है, इधर। तो दोनों ही सेम साइड पर है, दोनों ही सेम साइड पर है, यानी कि दो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे उन पर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड लगे हुए है, तब क्या कहलाएगा, सेट। क्या कहलाएगा, सेट। और अगर मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता कि ये वाला Cl यहाँ होता और ये अमोनिया यहाँ, ठीक है, तब मेरी प्रायोरिटी, अच्छा Cl तो यहीं था, अगर Cl यहाँ होता और अमोनिया यहाँ होता तब प्रायोरिटी कहाँ जाती, ऊपर पहुंच जाती, क्योंकि Cl का हमारा एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना। तो अब इस वाले कार्बन पे प्रायोरिटी ऊपर है, इस वाले कार्बन पर प्रायोरिटी नीचे है, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गए। क्या हो गए, अपोजिट। इस केस में मैं इसे क्या देती, मैं इसे नाम देती, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज, रूल क्या है, रूल बिल्कुल सिंपल कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जो एटम है हम इस तरीके से उनको प्राथमिकता या प्रायोरिटी देंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और हमेशा याद रखना, पूरा ग्रुप मत देखना कि यहाँ पर ये पूरा अमोनिया लग रहा है तो हम इसे ज्यादा देंगे, नहीं, पहला एटम जो बॉन्ड से, जो कार्बन से पहला एटम जुड़ा है उसे देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला एटम क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर पहला एटम क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, उसमें कंपैरिजन करेंगे। तो अगर दोनों कार्बन पर जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो वहाँ सेम साइड पर प्रेजेंट है तो उसे हम ई कह, उसे हम जेड कह देते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो उसे हम जेड कह देते हैं, सॉरी ई कह देते हैं। ई मतलब अपोजिट, जेड मतलब सेम, ठीक है। अब अगर मान लो आइसोटोप्स प्रेजेंट है, आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास। अब जैसे हाइड्रोजन है, उसी का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। अब मान लो किसी कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ड्यूटेरियम भी प्रेजेंट है, अब इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, जब एटॉमिक नंबर सेम हो तब हम किसके हिसाब से देखेंगे, तब हम देखेंगे एटॉमिक मास के हिसाब से, जिसका मास ज्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। चलो अब कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे जिससे हमें और नई बातें पता चलेंगी, जो मतलब स्पेशल होते हैं कि इससे हमें ये रूल सीखने को मिलेगा। चलो एग्जांपल करते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये है हमारा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है Br, CH3, H एंड Cl, ठीक है। अब इस कार्बन पर अगर मैं प्रायोरिटी देखूँ, प्राथमिकता देखूँ, तो हाइड्रोजन से ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का, हो गया पर। इस कार्बन पर देखो तो Br और ये किससे जुड़ा है, C से, तो कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का, तो ये हो गया पर। अब पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर मैं दोनों कार्बन पर देखूं तो जिसे हमने प्राथमिकता दी है वो दोनों ही ग्रुप कहाँ है, एक ही तरफ प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को हम कौन सा नाम असाइन करेंगे, Z। क्या हो गया ये, Z। अब इसी तरीके से डबल बॉन्ड C, COOH, COOH, CH3 एंड H। अब मान लो ये कंपाउंड है, अब अगर
अगर आपका दिमाग चला तो आप पहचान सकते हो कि भाई इसे तो मैं सिस और ट्रांस भी कह सकती हूँ या कह सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं इसे ई और जेड भी तो कह सकती हूँ। ई और जेड नोमेनक्लेचर भी तो इनकी नेमिंग के लिए निकाला है। वैसे अगर देखा जाए तो इधर भी सी डबल ओ एच, इधर भी सी डबल ओ एच, और दोनों ही सेम ग्रुप एक ही तरफ प्रेजेंट है, तो मैं इसे सिस कह सकती हूँ। लेकिन देखते हैं ई और जेड में ये कौन सा वाला आएगा। तो अब इस वाले कार्बन पर देखूं तो ये कार्बन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन का ज्यादा, तो ये हो गया 1। इस कार्बन पर देखूं तो ये भी सी से जुड़ा है और ये भी सी से जुड़ा है। यहाँ पर आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि अगर पहला एटम सेम जुड़ा हुआ है तो हम कहाँ चलते हैं? आगे वाले का एटम की तरफ। मतलब ये वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन आगे किससे जुड़ा है? ओ से जुड़ा है। और ये कार्बन आगे किससे जुड़ा है? H से जुड़ा है। तो जब कार्बन कार्बन सेम है तो अगला एटम इसका है O, इसका है H। अब H और O में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? O का ज्यादा। तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? इसे दी जाएगी। अब पूरे स्ट्रक्चर में दोनों कार्बन पे जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है? एक ही तरफ प्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी होगा हमारा Z। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नई चीज सीखी कि पहला एटम अगर सेम हो तो हम आगे वाले एटम की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी आपको कोई चीज सीखने को मिलेगी। तो मान लो ये है सी डबल बॉन्ड एन, इसके है लोन पेयर, ये लगा हुआ है ओ एच, ये है सी सिक्स एच फाइव और ये है हमारा एच। ठीक है, अब आप कहोगे मतलब ये तो हमारा हो गया बीच वाला हिस्सा, जैसे इसमें जो बीच वाले हिस्से थे ये सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे ही ये हो गया सी डबल बॉन्ड एन। ठीक है, हमें इधर कार्बन पे प्रायोरिटी देनी है, इधर नाइट्रोजन पे प्रायोरिटी देनी है। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि इस नाइट्रोजन पर एक तो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा दिख रहा है क्या? कोई दूसरा ग्रुप दिख रहा है? मानो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन असल में है। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? हम मान सकते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है वो है हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता है, है ना। तो उनको सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? ओ एच को, क्योंकि लोन पेयर को प्रायोरिटी सबसे कम दी जाएगी। अब ऐसे ही इस कार्बन पर यहाँ पे जुड़ा है सी और यहाँ पे जुड़ा है एच, तो प्रायोरिटी किसे देंगे? कार्बन को। इसमें भी दोनों ही हमारे ग्रुप जेड हो गए। ठीक है, दोनों ही हमारे ग्रुप सेम जगह है, जिन्हें हमने प्रायोरिटी दी है, तो क्या होगा? जेड होगा। सारे ही जेड वाले आ रहे हैं। अब कोई सा ई वाला करके देखते हैं। चलो ये करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ओ एच एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, देखते हैं ये Z होगा या E होगा। मैंने सारे एग्जांपल्स आपके लिए बहुत सारे सर्च कर करके इकट्ठे कर रखे हैं, आंसर मैं आपके साथ निकाल रही हूँ कि E होगा कि Z होगा। चलो देखते हैं। तो ये है हमारा कार्बन स्ट्रक्चर। तो इस कार्बन पर अगर मैं प्रायोरिटी दूँ कि यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ओ एच को। मुझे ऐसे लग रहा है ये होने वाला है ई। इस कार्बन पर अगर मैं प्रायोरिटी देखूं तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, अब जब पहला एटम सेम है तो कहाँ चलेंगे? आगे वाले पे चलेंगे। अब इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो ये आगे तीन एच से जुड़ा है। ठीक है, अब इस कार्बन को मैं देखूं तो ये दो एच से जुड़ा है और एक सी से जुड़ा है ना। अब अगर मैं इनमें और इनमें कंपेयर करूं तो यहाँ पर है तीन एच, यहाँ पर है दो एच और एक कार्बन। अब ऐसा करना, जब ये ज्यादा आइटम बढ़ते जाए तो कैंसिल आउट करना शुरू कर। ये कार्बन कैंसिल, कार्बन कैंसिल, हाइड्रोजन कैंसिल, हाइड्रोजन, 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 बचा क्या क्या? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और कार्बन में किसको प्रायोरिटी देंगे? कार्बन को। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको देंगे हम प्रायोरिटी। मेरा सिक्स सेंस सही कह रहा था, ये ई होने वाला है। तो देखो, इस पूरे स्ट्रक्चर में जब हम दोनों कार्बन को कंपेयर करेंगे तो जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो अपोजिट तरफ प्रेजेंट है, अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? ई बोलेंगे इसको हम, ई। अब एक और जो
जो मैंने आपके लिए स्पेशली नोट किया था वो ये था, वो आप, वो भी आपको एक रूल सिखाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन CN CH डबल बॉन्ड NH, CH2OH एंड तुरंत आपका डाउट क्लियर करूंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।